हेलो मेरे किचन मास्टर, आज मैं आप लोगों को जिस डिश के बारे में बताऊंगी उसका नाम है हिलसा। इसे मेरी मम्मी की दादी बनाती थी और फिर मेरी मम्मी ने अपनी दादी से सीखा और मैंने अपनी मम्मी से, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए बनाया जाए हिलसा। हिलसा बनाने में बहुत कम खर्च है। तो हिलसा बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है, इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है बिल्कुल बारीक, और मैंने 1/2 कप चीनी लिया है। खुशबू के लिए मैंने इलायची लिया है। तो अब बनाने चलते हैं। तो सबसे पहले हम चीनी का सीरा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1/2 कप चीनी लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। अब दोनों को अच्छे से घोल लेंगे, फिर इसका सीरा तैयार करेंगे। तो देखिए ऐसे ही अच्छे से घोल करके लो फ्लेम पे सीरा को तैयार करेंगे। तो सीरा मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची खुशबू के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें चावल का आटा डालूंगी। चावल के आटा को आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक बार में नहीं डालना है। अगर आप एक बार में डालेंगे तो फिर चावल के आटे का गांठ बन जाएगा, जिससे हिलसा आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको चावल का आटा एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। ये मिठाई बहुत टेस्टी बनता है। इसे मैं पापा की मिठाई बोलती हूँ। पापा की मिठाई इसलिए क्योंकि पापा जैसे ऊपर से सख्त होते हैं और अंदर से नरम होते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का ये मिठाई भी होता है। ऊपर से बिल्कुल सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम। तो आप इसे घर में ज़रूर बना के खाइएगा। इसमें खर्च भी बहुत कम आता है। सिर्फ चावल का आटा आपको चाहिए और चीनी, जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है। तो आप देख सकते हैं अब ये मेरा तैयार हो गया है हिलसा का। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आपको बिल्कुल इतना ही गाढ़ा रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद अभी ये और ज़्यादा सूखेगा। तब इसे ठंडा होने को छोड़ देते हैं, फिर इसको शेप देंगे। तो देखिए अब ये ठंडा हो गया है। अब इसे हम शेप देंगे। शेप देने से पहले आपको हाथ में अच्छे से तेल लगा लेना है। तेल इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब हिलसा को शेप देंगे तो हाथ में वो चिपकेगा, तो तेल लगाए रहेंगे तो नहीं चिपकेगा। तो अच्छे से इसको शेप दे लेते हैं। देखिए मैंने लंबा लंबा शेप दिया क्योंकि लंबा शेप बच्चों को अक्सर पसंद होता है, इसलिए मैंने लंबा दिया है। आप लंबा गोल जो भी शेप आप चाहें दे सकते हैं। तो चलिए इसको अब तल लेते हैं। तो मेरा तेल गर्म हो गया है। अब इसे एक एक करके हम तलेंगे। आपको तलते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, आपको इसको ज़्यादा रेड नहीं करना है, हल्का ब्राउन ही रखना है। क्योंकि आप ब्राउन रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा भी और टेस्टी भी लगेगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। इसको चारों तरफ से पलट पलट के आप पकाएंगे। बहुत प्यारा कलर लगता है इसका बनने के बाद। तो मेरा पक रहा है। अब देखिए तैयार भी हो गया। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। सोचिए देखने में इतना प्यारा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो अब इसी तरह से मैं सारे हिलसे को तैयार कर लेती हूँ। देखिए मेरा सारा हिलसा अब तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपने इससे पहले ये नहीं खाया होगा तो आप इसे जरूर 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 बना के खाइए। आप देख सकते हैं। अब इसे मैं एक बार तोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ऊपर से कितना सख्त है और अंदर से नरम। मैंने बोला था ना पापा की मिठाई,